तो गाइस बात करते हैं आज हम JSW पैंट की। JSW पैंट बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस कर रहा है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और दूसरी बात ये कि इसकी हम बात करें कि एक लीटर में कवर कितना करता है। एक लीटर में जो कवर करता है 150 से 160 तक कवर करता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है। अगर बेस आपका ख़राब होगा तो उसमें आपका हो सकता है कि 140 तक कवर करे। अगर बेस अच्छा होगा जैसे कि द्वारका और रखा बढ़िया बेस है तो इसमें आपका 150 से 160 कवर कर देगा। तो बात करते हैं हम इसके मटेरियल की, जो उसका नाम है, तो इसका नाम है हेलो और मजेस्टिक इंटीरियर सिल्क। तो इसका मतलब है, इंटीरियर का मतलब है कि ये अंदर का है मटेरियल अपना। ये मजेस्टिक इंटीरियर जो है ये अंदर का, सिर्फ अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। सिल्क माने इसके अंदर चमक है, मतलब चमक है। और दीवारें जो है हमारी बॉस हो सकती हैं, अगर दीवारों के ऊपर हम बॉस करना चाहें तो बॉस हो सकती हैं। दाग धब्बा, एंटी वायरस वगैरह जो डस्ट और जो अंदर कमरों में फंगस आ जाती है उन सबसे ये बचाता है। और डब्बे की पहली बात तो आप देखिए इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है कि पैकिंग आप देखोगे तो आप घर में यूज कर सकते हो। पैन तो है बढ़िया लेकिन पैकिंग उससे भी बढ़िया है। तो मैंने ये लगाया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस पैंट की। और काफ़ी बंदों ने से मतलब सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जहाँ भी मैंने लगाया है उसने ये नहीं कहा कि ये पैंट बेकार है, सबने अच्छा इसका रिव्यू दिया है और अच्छी क्वालिटी बताई है। तो कुछ ये जो है अभी मैं इस दीवार पे लगाना चालू करूँगा और लगाते समय मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितना एरिया कवर करता है और इसकी फिनिश कैसी है। तो शुरू करता हूँ मैं इसको लगाना। और उससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर बात करते हैं हम पानी की, पानी कितना डालेंगे हम। पैन थोड़ा ये पतला होता है, पानी सिर्फ इसमें 25% बढ़ता है, यानी एक लीटर में 250 ग्राम तक पानी आप डाल सकते हो। और इसमें 250 ग्राम पानी डालने के बाद में 150 से 160 कवर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पानी इतना कम है और कवरिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दीवार पे लगा के दिखाऊंगा आपको, डार्क पिंक कलर है ये और देखते हैं कैसे इसकी लुक आती है। तो गाइस चालू करते हैं हम इसमें पैंट डालना। पैंट अभी हम इसमें एक लीटर करीब डालेंगे ट्रे के अंदर और 250 ग्राम या 200 ग्राम इसके अंदर पैंट डालेंगे। तो पैंट में दिखाए तो पैंट की क्वालिटी कैसी है इसकी, ये देखिए पैंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और थोड़ा पतला है। ये देखिए इतना पतला भी नहीं है इतना आप समझ रहे हो। अभी अंदाजे से मैंने एक लीटर करीब डाल दिया है इसके अंदर और इसके अंदर जो पानी हम डालेंगे वो 250 ग्राम करीब डालेंगे। इसकी मेरे को ये ट्रे की पहचान है कि ये इतना हो जाता है तो एक लीटर इसके अंदर मटेरियल जो है आ जाता है। अभी 3 लीटर पकाया है इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर 250 ग्राम पानी डालना है हमने। तो अंदाजा मेरे पास तो ये गिलास है तो इससे नाप लेता हूँ थोड़ा सा। ये 300 ग्राम का है, मैंने अभी 250 ग्राम पानी करीब डाला है, डालूंगा इसमें। बस इतने ही पानी डालना होता है एक लीटर में। और जो मार्केट में जो कुछ पैंट जो आ रहे हैं तो उनके अंदर कितना पानी डालना होता है, 500 ग्राम 600 ग्राम पानी डालना होता है, इसके अंदर सिर्फ 250 ग्राम पानी डाल सकते हो। वैसे आप अपने चलाने के हिसाब से डाल सकते हो। तो 250 ग्राम पानी डालने के बाद में और इसका जो घोल तैयार हुआ है वो परफेक्ट तैयार हुआ है। और एक लीटर में 25 ग्राम मतलब 25% पानी डालना, 25% का हो गया 250 ग्राम एक लीटर में। तो जो घोल है बहुत शानदार तैयार हुआ है इसका। अब देखते हैं इसमें कवरिंग कितना करता है ये। तो इसको हम ब्रश से कटिंग काटेंगे, रूलर से दीवारों पे मारेंगे और कवरिंग का देखेंगे कितना निकालता है और देखेंगे इसका के एरिया कवर कितना करता है और इसकी फिनिशिंग है वो कितनी करती, कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो गाइस इस पे जैसे कि हमारी रीपेंट दीवार है, रीपेंट का मतलब होता है कि दीवार पे पहले ऑलरेडी पेंट लगा हो और पहले दीवार हमारी पेंट से फाइनल कर रखी हो, कंपनी का कोई सा भी पेंट हो पर इसको हम रीपेंट ही बोलेंगे। तो जो मैंने आपको पेंट दिखाया था तो वो पेंट का मतलब क्या है कि अगर इस पे बाई चांस अगर दूसरी कंपनी का हम पेंट लगाते हैं तो इसको हमने प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, प्राइमर हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन इस पेंट में क्या है कि ये प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमर बेस और पेंट बेस दोनों हैं।
थोड़ा हल्का पतला करके पेंट मारो इस पे, तो प्राइमर के काम करेगा, और नॉर्मल गोल माल बना के अगर मारते हो तो वो आपके पेंट का काम करेगा। तो मतलब ये प्राइमर बेस और पेंट भी दोनों एक साथ में हैं, तो रीपेंट में ये काम करेगा। और जैसे अगर नई दीवार है अपनी और इस पर पुट्टी उट्टी हो रखी हो, तो उसके लिए प्राइमर है हमारे पास, वो प्राइमर लगता है उसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको रिंग मार मारेंगे, इसके बाद सफा करके दीवार को, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसको पेंट के साथ। तो ये चीज़ है ना, हरे पेंट में नहीं कवर होती है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, अगर बाई चांस दीवार में लगी हो तो उनको अच्छी तरह से निकालना होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इनको हल्का हल्का रेक मार मारता हूँ, जितना निकलता है उतना निकालूँ, वरना नहीं ज़्यादा नहीं निकालना, क्योंकि मैंने पेंट की कवरिंग देखनी है, वो हाइडिंग देखनी है कि कितनी हाइडिंग है इसकी और कितना ज़्यादा हाइड करता है अंदर की चीज़ों को। तो ये चीज़ मैं हल्का हल्का निकालूँ, ज़्यादा नहीं घिसूँगा, तो बस यही चीज़ मैंने बस इतना ही घिसना, ज़्यादा नहीं घिसना। अब देखता हूँ उसमें पेंट मार के ये कवर होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मारेंगे ब्रश से, तो ब्रश से देखेंगे इसकी फिनिशिंग। की हाइडिंग जो है ना वो तो बहुत शानदार आ रही है, एक ही बार में कवर हो रहा है पूरे का पूरा, हाइडिंग बहुत शानदार है। तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि जो मैंने ब्रश चलाया था इसका, तो ब्रश की जो हाइडिंग है, हाइडिंग तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और अभी इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो लकीर जो थी, ये चीज़ जो कवर हो रही है, देखिए ये देख, मतलब एक ही बार में इसने तो सारा फंडा ही खत्म कर दिया इस पैंट में, ये देख। और भाई इसकी क्या तारीफ करूँ, इतनी ज़्यादा तारीफ, तो मेरे को चलाने में बड़ी खुशी हो रही है कि ब्रश भी चला रहा हूँ तो फिसल रहा है, ब्रश जो चला रहा हूँ ना फिसल रहा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी। और इसको हाइड करने के लिए ये चीज़ जो कवर कर रहा है, अभी सूखने के बाद पूरा प्रॉपर पता दिखाई देगा और पता लगेगा। तो अभी मैं इसमें रूलर से चलाने का जा रहा हूँ, मैं रूलर से, तो रूलर से भी देखता हूँ कैसी फिनिश आ रही है, ये देखिए। अब दिखाता हूँ मैं पूरी दीवार पे चला के, पूरी दीवार में फाइनल करूँगा, उस कमरे की सारी दीवारें करूँगा, तो जो हमारे पास जो टीम है वो आएगी साथ में निकल के, तो वो काम करेगी। आ जाओ गाइस, तो देख सकते हो आप एक कोट में पूरी दीवार हाइड हो चुकी है, और अंदर का जो कलर है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल रियल में नज़र नहीं आ रहा है। और देखो ये सूख चुका है, जो मैंने मारा था यहाँ पे, ये पूरा सूख गया है, ये देखिए पूरा सूख गया है। और साइड से देख रहा हूँ तो चमक आ रही है, सामने से भी थोड़ा शाइनिंग दे रहा है, तो मतलब पूरी हाइड हो चुकी है दीवार, मतलब हाइडिंग की बात करें तो बहुत अच्छी हाइडिंग है इसकी। तो गाइस ये पहला कोट हमारी दीवार पे हो चुका है, और इसकी हाइडिंग आप देख रहे हो, पहली दीवार कैसी थी और अभी हाइडिंग जो देख रहे हो पूरी कवर हो चुकी है दीवार हमारी, जो पिछला जो कलर था पहला वो पूरा दब चुका है, मतलब छुप चुका है। और मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ दूसरा कोट इस पर, और दूसरे कोट में जो छोटा मोटा दिख भी रहा है वैसे दिख ही नहीं रहा, पूरा सिंगल कोट में कवर हो गया, और दूसरे कोट में क्या है कि फिनिशिंग और उसकी कवरिंग पता लग जाएगी। तो गाइस देख सकते हो कि दीवार पे हमारा जो है वो दो दो कोट हो चुका है, अच्छी तरह से फाइनल हो चुकी है। और जो फिनिशिंग की जो बात करें, फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, और जो साइड वाली जो बॉल थी, चौथी जो बॉल थी उसमें टेक्सचर है, इसलिए हमने वो टेक्सचर वाली बॉल नहीं की है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि वो साइड वाली बॉल टेक्सचर वाली नहीं करानी हमने, तो हमने तीन बॉल की है और कमरे की। अभी देख सकते हो कि बहुत अच्छी जो फिनिशिंग है, रिच फिनिशिंग और जो शाइनिंग है बहुत अच्छी आ गई है इसमें। तो देख सकते हो सारी दीवारें आप कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग है, और बढ़िया क्वालिटी, कलर तो बहुत सुंदर है इसका।